नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो देखो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और देखो, सॉल्व करो, देखो तुमसे होता है। ठीक है, ये कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को बच्चों हम फायर करते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन हम अलग अलग प्लेनेट पे करते हैं, एक को किसी और प्लेनेट पे करते हैं, दूसरे को किसी और प्लेनेट पे करते हैं। अब दोनों का जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ, वो सेम है यार, पाथ इज सिमिलर, सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, एंगल अलग अलग, एंगल सेम है, एंगल सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, बट प्लेनेट अलग होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगा, तो वही तो पूछ रहा है कि उस प्लेनेट पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, वो हमें निकालना है। उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो हमें निकालना है। इसको हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। अब दोनों पार्टिकल जो एक 3 से प्रोजेक्ट हो रहा है और एक 5 से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, पहला वाला 3 से और दूसरा वाला, पहला वाला 5 से, दूसरा वाला 3 से। चलो, तो अब जो दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है, वाई वन और वाई टू बराबर है, तो इन दोनों के लिए ट्रेजेक्ट्री सिमिलर, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया, ट्रेजेक्ट्री इज सिमिलर, आइडेंटिकल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा हर पॉइंट पे। ठीक है, तो एक्स टैन थीटा माइनस जी वन यू वन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, जी और टू यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाली की ट्रेजेक्ट्री के इक्वल होगा। तो एक्स टैन थीटा माइनस, देखो एक्स टैन थीटा माइनस ये जी और जी टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यार देखो ट्रेजेक्ट्री सेम है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट किसी भी इंस्टेंट सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। तो एक्स टैन थीटा ने एक्स टैन थीटा को, माइनस ने माइनस को, कॉस स्क्वायर ने कॉस स्क्वायर को, टू ने टू को, एक्स तो बचा क्या यार, तो बचा जी वन यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी टू यू टू स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए जी टू, जी जो है पहले वाले पे ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वेलोसिटी 5 थी वो अर्थ पे था, मतलब पहले वाले को मैं अर्थ ले लूँ, तो मुझे जी टू चाहिए। तो जी टू की वैल्यू जो आ जाएगी, जी टू की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी जी वन मल्टीप्लाइड बाई यू टू का स्क्वायर अपॉन यू वन का स्क्वायर। तो जी 9.8 और दूसरी वाली वेलोसिटी थी 9 और ये 25। ठीक है, तो यह आ जाएगा जी टू, इसको सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा 3 सॉल्व कर लेना इसको, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 3.5, दैट इज ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है।